कैसी लग रही है जगह? मुझे तो बहुत पसंद आई। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए तो बहुत ही सही जगह है ये। ख्याति हो गई है 4 महीने की, और इन 4 महीनों में हमने हॉस्पिटल और मंदिर के अलावा ख्याति को कहीं घुमाने नहीं लेके गए हैं। तो हमने सोचा कि उसकी बड़ी सिस्टर अन्नू आ गई है तो चले कहीं घूमने। तो हमने गाड़ी उठाई और चल पड़े। गाड़ी में भी दोनों बहनों की मस्ती शुरू है। जाते जाते पहले हम गए मेडिकल स्टोर, क्योंकि मुझे ख्याति की 2 मेडिसिन्स लेनी है, जो कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 6 मंथ्स तक कंटिन्यू उसे देना है। एक तो है कोले कैल्सिफेरॉल ओरल ड्रॉप, जो कि D3 ड्रॉप है, और दूसरी है मल्टीविटामिन एमिनो एसिड जिंक एंड फ्लैक्सीड ऑयल ड्रॉप, जिसे न्यूरोकाइन बोलते हैं। मेडिसिन लेने के बाद हम पहुँच गए गार्डन। अन्नू के तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे। बोलती है पहले पार्क जाएंगे, फिर वहाँ से मॉल जाएंगे, मॉल में शॉपिंग करेंगे, फिर वहाँ गेमिंग जोन जाएंगे, वहाँ खूब खेलेंगे। बट हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो हमें 2 में से 1 चीज़ सेलेक्ट करनी थी, तो हमने पार्क जाना सेलेक्ट किया। वैसे भी ख्याति का ये फर्स्ट टाइम था बाहर निकलने और घूमने का, तो मैं ज़्यादा देर बाहर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे उसको आदत लगाऊंगी बाहर ज़्यादा देर रहने की, बट ये फर्स्ट टाइम था तो हम बहुत ही कम टाइम के लिए गए। अन्नू की एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान में थी, वो तो लिटरली नाच ही रही थी। ख्याति के नाना जी और ख्याति के पापा, ये दोनों गए हैं टिकट्स लेने, तो हम गार्डन के गेट के बाहर उनका वेट कर रहे हैं। और ये देखो, अन्नू को डांस कर रही है और ख्याति अपनी नानी की गोदी में मस्त मजे ले रही है। हम जिस गार्डन पे आए हैं उसका नाम है शहीद उद्यान। वैसे तो गार्डन बहुत ही अच्छा है, घूमने के लिए अलग जगह, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन है, बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा पार्क है। मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर। भीड़ भी बहुत थी यहाँ पर, वीक डे होने के बावजूद भी अच्छा खासा रश था यहाँ पर। वैसे भी दिन भर ऑफिस वर्क करने के बाद अपनी फैमिली के साथ ऐसी किसी जगह पे आकर बैठना और टाइम स्पेंड करने का एक अलग ही सुकून है। एंट्री करते साथ अनु को कुछ खाना था, तो हम गए खाने के स्टॉल्स पे। वहाँ पे आइसक्रीम थी, वहाँ पे साबूदाने के वड़े थे, प्याज वड़े थे, गुपचुप था और बहुत कुछ था। तो ख्याति के पापा और नाना गए स्टॉल पे लाइन लगाने और हम करने लगे उनका वेट। वेट करते करते मैंने और अनु ने सोचा कि क्यों ना घास पे खाली पैर चला जाए। अलग ही मज़ा आ रहा था ये करने में हमें। अनु की स्कूल होने के कारण वो नानी के घर मेरे साथ नहीं रह पा रही थी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने बाद मिली थी अनु मुझसे। यहाँ नाना नानी के साथ ख्याति और अनु मज़े कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं और पार्क में बैठे लोगों को देख रहे हैं। ख्याति तो यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। कुछ लोगों को वो बड़ी क्यूट लग रही थी, किसी को उसके हेयर बंस पसंद आ रहे थे, ख्याति को भी नए लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आ रही थी। दोनों बहनें साथ में बड़े अच्छे से खेल रही थी। इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। देखिए ना, ख्याति को क्या मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा हो जैसे बोल रही हो कि मुझे यहीं रहना है, मुझे यहाँ बहुत मस्ती करनी है। सो प्याज भजिया आ चुका है और साबूदाने का बड़ा और गुपचुप ऑन द वे है। ये रहे प्याज भजिए। देख के तो बहुत इच्छा हो रही थी खाने की, बट मैंने अपने आप को रोक लिया। अभी ज़्यादा ऑयली खा नहीं रही हूँ, बट कुछ नहीं खा रही हूँ, फिर भी इतना वेट गेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे खाए जा रहे हैं साबूदाने के बड़े और गुपचुप। बेचारी ख्याति और मैं, हम लोगों का मुंह देख देख कर ही खुश हो जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो गार्डन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप बॉल लेकर आ सकते हैं, बैडमिंटन लेकर आ सकते हैं, जो भी आउटडोर गेम्स आपको खेलने की इच्छा है वो लेकर आ सकते हैं। मस्त पिकनिक जैसे बैठ के आराम से खेलना वेलना सब कर सकते हैं। पेट पूजा तो अच्छे से हो गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
पे वॉल पे इतने अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है आज़ादी के टाइम का, जो हमारे सोल्जर्स थे इंडिया का झंडा पकड़े हुए, यहाँ पे भारत माता को भी दिखाया गया है, पूरा बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सारे स्वतंत्रता सेनानी दिखाए गए हैं वॉल पे, इसलिए इसे शहीद पार्क कहा जाता है। अब हम चल पड़े हैं प्ले एरिया की तरफ ऑन अनयूज्ड डिमांड। ट्रैम्पोलिन में खेलने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, मुझे नीचे उतार लो मम्मा। अब हम यहाँ पर पहले से आकर बैठ गए हैं म्यूजिकल फाउंटेन देखने के लिए, और यहाँ से पार्क इतना सुंदर दिख रहा है, क्या व्यू है। सारी ऑफ हो चुकी है, शो शुरू होने वाला है।
चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे पार्क में बहुत मज़ा आई, स्पेसिफिकली वो फाउंटेन बहुत अच्छा लगा। अनु ने तो प्ले एरिया बहुत एंजॉय किया, ट्रैम्पोलिन में जंप करने में बहुत मज़ा आई उसको। आज का दिन बहुत अच्छा था। तो ये तो था आज का व्लॉग, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।